आम आदमी पार्टी रजनी बाला जी की, जिनकी कश्मीर के अंदर हत्या हुई है, उस हत्या पे दुख प्रकट करती है और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। और दूसरी बात, कश्मीर के अंदर जिस तरीके से एक महीने से लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, एक महीने में 7 किलिंग्स, टारगेट किलिंग्स हो चुकी हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं, आम आदमी पार्टी इसके ऊपर गंभीरता से ये केंद्र सरकार से मांग करती है कि केंद्र सरकार कश्मीर के अंदर सभी वर्गों को, चाहे वो जम्मू के वहाँ पे लोग जो जॉब में हैं, माइग्रेंट्स हैं, या वहाँ पे वहाँ के कश्मीर के अंदर जो शहरी रह रहे हैं, जिस तरीके से उनकी हत्याएं हो रही हैं, आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि उसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया जाए और सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो जम्मू के लोग जो वहाँ पर जो कार्यरत हैं, उनके लिए एक अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, रिक्रूटमेंट पॉलिसी को रिव्यू किया जाए। ये पहले की 5 अगस्त 2019 से पहले की जो पॉलिसीज़ हैं उनको रिव्यू किया जाए, और जो जम्मू के लोग वहाँ पे पिछले 12-12, 15-15 सालों से वहाँ पे ड्यूटी पे हैं, उनकी समय रहते टाइम बॉन्ड, उनकी प्रमोशन और उनकी ट्रांसफरी होनी चाहिए। दूसरा, ये जो जम्मू के लोग वहाँ पे जो कार्यरत हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, उनकी ड्यूटी है दूर दराज के देहाती इलाकों में, तो उनकी ड्यूटी वहाँ सिक्योरिटी जोन में, अर्बन एरिया में तैनात किए जाएं, ताकि वो सुरक्षा दायरे के अंदर रहें। जिस तरह से अमरनाथ यात्रा भी आ रही है, क्या लगता है कि आपको किस तरह? ये तो पूरे का पूरा लगता है कि ये इस तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर फेलियर रहा तो अमरनाथ यात्रा के ऊपर भी बड़ा हमला हो सकता है। और मैं जो कह दूँ कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो कि केंद्र सरकार के रिमोट से चल रही है, पूरी के पूरे तरीके से फेलियर रही है, और पता नहीं अमरनाथ यात्रा में क्या होने वाला है।